breaks all the stereotypes and it gives us a new direction how the love is and how we should feel about it. What about Ayushmann Khurrana and his acting is amazing, especially the acting of Gajraj Singh. Next level acting, I loved it. So which thing you like the most in the movie? Everything means the concept of love, this new feeling and everything. And what about direction? Direction is also amazing. The way of storytelling and everything is amazing. So out of 5 stars? 5. Thank you. Come. Rolling? So how was the movie? Nice. It was nice. Ayushmann did a nice acting. And the partner with him was... Jitendra Kumar was nice. Okay, what about the story? It was social message. It was great. It was on about that 377 article and before it, how the people were. So which thing you like the most? About parents, how they reacted to them. That was nice. And you? About the theories. And what about direction? It was great. And what about songs? Songs that. Amazing. Which song you like? Gabru. And out of 5 stars? 4. 4.5. Thank you so much. Yeah. So ma'am, आपको movie कैसी लगी शुभ मंगल ज्यादा साहब? बहुत अच्छी थी. It was really good. Dialogue delivery was good. Acting was good. Then overall out of 5, I'll rate 4. अगर ये story की बात करूँ, कितना पसंद आया इस type की story दिखाई जा रही है? Story was socially एक अच्छी actor story थी. तो it's good for emerging topics ऐसे important हैं society के लिए. Otherwise I think the dialogues were really good. I enjoyed it. Songs though definitely are good. मतलब उसका कोई comparison नहीं था. अगर आयुष्मान खुराना की performance के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया और जितेंद्र कुमार भी उनके साथ दिख रहे थे. बहुत अच्छे लग रहे हैं. आयुष्मान खुराना was very enthusiastic throughout the movie and yes, both of them were compatible. They were really good. अगर इस movie की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया dialogues. They were mom dad का जो dialogues था delivery and their everything was मतलब their acting was really perfect. Okay, out of 5 stars? 4. Thank you so much. How was the movie Shubh Mangal Zyada? नहीं movie अच्छी है, comedy है, funny है, बहुत अच्छे scene हैं. अगर देखा जाए तो आयुष्मान खुराना की जो भी movie आती है वो best ही लेके आता है. कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ ना कुछ comedy मिलती है. और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो एक relationship के ऊपर जो चीज अभी कोर्ट ने जो पास किया था उसके ऊपर भी एक बॉयस अगर लिसन कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, गर्ल्स हैं तो वो भी कर सकते हैं. पहले बहुत सारी आपत्तिजनक था, अब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं लेकिन एक प्राइवेट जगह पे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको, और कहते हैं ना जो भगवान ने कुदरती जो चीज़ें बनाई हैं उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है और कर भी नहीं सकता क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं यार, मैं नहीं कर सकता हूँ. तो वो तो मूवी भी बनाया है लेकिन बहुत चीज़ें, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए. लेकिन जो मूवी में जिस तरह से दिखाया गया होमोसेक्सुअल को, उस टाइप की स्टोरी कितने पसंद आएगी? आएगी, जो समझेंगे इस चीज़ को आएगी. क्योंकि यार गर्ल्स बॉयज़ से ये सबको जानते हैं, पब्लिक जानती है, ठीक है वो समाज एक्सेप्ट करती है लेकिन बॉयज़ की भी एक रिलेशन होता है. हो सकता है कि उनकी बॉडी है, हारमोन्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं. तो इसको एक्सेप्ट करने में समाज थोड़ा टाइम लगता है, कोई छुपके से एक्सेप्ट करता है, कोई बच्चों को देख के करते हैं कि बच्चे हमारे दूर ना जाएं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो अरे आयुष्मान खुराना दोनों भी परफॉर्म अच्छा किया हुआ है. सबसे अच्छा तो अगर देखा जाए सभी ने अच्छा किया, जो एक जिसके साथ शादी हुई है लड़की जो भाग जाती है गहने लेके, तो उसने भी अच्छा परफॉर्म किया. परफॉर्म तो सभी सारे करेक्टर जो हैं, सभी करेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. सॉन्ग्स कितने पसंद आए इस मूवी के? सॉन्ग सारे पसंद आए. लास्ट में भी एक सॉन्ग आया तो वो भी अच्छा है. बट करेक्टर भाई, कॉमेडी भाई, और जो समाज को सबसे बड़ा एक SMS है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा टिपिकल पड़ता है. और समाज को वो SMS कि जब वो दोनों राजी हैं तो उनको भी एक, हर व्यक्ति को अपनी एक लाइफ जीने का हक है, उसका लाइफ जीने का हक है. क्योंकि भगवान ने ही एक जैसे भी कुदरती जो शरीर में दिया हुआ है उसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं किया जाता है, बट थोड़ा सा उनको भी समझें, मेरा मानना है. आज ही के दिन भूत भी रिलीज हो रही है विकी कौशल की और आयुष्मान खुराना की, सो बहुत ज़्यादा टक्कर होने वाली है. सो आपको क्या लगता है कि भूत को ऑडियंस को, मुझे मेरे हिसाब से इस समाज को लेके बनी हुई है तो वो भूत तो छोड़ो, मुझे ज़्यादातर ये पसंद सबको आएगी क्योंकि ऑडियंस मॉर्निंग का जो फर्स्ट शो होता है ना, ऑडियंस कम होती है.
वो टिकट सस्ती हो कम हो सके कोई मायने नहीं होता, स्क्रिप्ट अच्छी होना चाहिए। तो उस ऑडियंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी ऑडियंस थी, मॉर्निंग में 9 बजे का शो था, ऑडियंस काफ़ी अच्छी है। तो 5 में से आप कितने स्टार हैं? 5 में से मेरे पूरे 5 हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन सभी डायरेक्टरों को जिन्होंने काम किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और समाज को भी थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका रिलेशन है, अब क्या कह सकते हैं, मैं तो नहीं हल कर सकता हूँ, तो समाज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। गाने भी अच्छे हैं, मूवी भी अच्छी है, और काम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रियली इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज सुपर, आई रियली लाइक द मूवी, और ये समथिंग डिफरेंट था, तो ये कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, तो इट वॉज अमेजिंग। What about Ayushman Khurana? Ayushman is love. Like, I really like him. और the way he transformed himself as a gay, और उसने जो भी स्टोरी दिखाई, एक्टिंग करी, अपने आप अपने जो फेस पे कट्स लाए एंड एवरीथिंग, इट वॉज गुड, इट वॉज रियली फैबुलस। सो वॉट अबाउट जितेंद्र कुमार एंड अदर? लाइक आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकियों को तो मैंने देखा है पहले भी मूवी में, तो ही वॉज फाइन, ही वॉज गुड, बट नॉट मोर देन आयुष्मान ऑब्वियसली। सो विच थिंग यू लाइक द मोस्ट? सॉरी, विच थिंग्स यू लाइक द मोस्ट? Which part you're talking about? Like the funniest part was when these two guys started kissing in the middle of the marriage, और पूरी फैमिली ने ये दिखाया कि एक रिचुअल है, तो इट वॉज फनी एंड इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज गुड। वॉट अबाउट डायलॉग्स एंड द बेस्ट डायलॉग वॉज कि अगर बता देना तुम्हारे पापा को कि अगर वो शिव हैं तो मैं शिव और पार्वती दोनों, इट वॉज रियली नाइस। एंड सॉन्ग? Yeah, the same song, the old song, और उसका remix, everything was okay, good. Out of 5 is 5. Thank you so much. बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस मूवी को देखने से पहले। वैसे ट्रेलर देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था एक सीन को देखने के लिए, वो सीन देखने को मिला, लेकिन यार हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ में नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपको नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट एक बार देखने लायक है ताकि उनको आप समझ पाओ, लेकिन बहुत कहते ना अंदर से हिला दिया है, इतना हिला दिया है ना कि जब इंटरवल हुआ मैंने अपने सीट छोड़ करके एक सीट दूसरा में जा करके बैठ गया। मतलब एक टाइम था ना जब गर्लफ्रेंड के साथ जाते थे और जाने के बाद में ये सोचते थे बाजू में अगर लड़का है तो जाके पहले खुद बैठते थे फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाते थे, अब ऐसा हो गया किधर बैठे, बैठना किधर है एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है। So, अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार की परफॉर्मेंस कैसी? जितेंद्र कुमार को देखा जाए सबसे ज़्यादा फुटेज दिया गया, पूरे मूवी में सबसे ज़्यादा फ्रेम में वही दिखेंगे, आयुष्मान खुराना को यूज़ किया गया है। मुझे ऐसा फील हो गया एंड तक में कि यार आयुष्मान खुराना कहीं गेस्ट अपेयरेंस में तो नहीं ना है, जैसे भूमि पेडनेकर आई थी वैसे ही तो नहीं ना है, क्योंकि देखो आयुष्मान खुराना के मूवी को सोच करके आए थे कि उन्हीं को देखने को मिलेगा, लेकिन उनके फ्रेम बहुत ज़्यादा कम मिले हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी आप देख सकते हो पूरी मूवी में, तो उस हिसाब से देखा जाए काफ़ी कम है। परफॉर्मेंस अगर दोनों जन की बात की जाए दोनों का अपने अपने जगह पे सही है, और आयुष्मान खुराना एज यूजुअल जैसे होते हैं अपने कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिफाई करते वो करते हुए दिखेंगे, लेकिन यार कुछ सीन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर गया है। अच्छा, और बाकी के स्टार कास्ट के परफॉर्मेंस? स्टार कास्ट में अगर बात की जाए तो बस इन दोनों को देखने के अलावा, जितेंद्र एंड आयुष्मान को देखने के अलावा अगर कुछ बचते हैं वो है नीना गुप्ता एंड गजराज राव। इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है कि एक नई चीज़ अभी समझ में आई है कि यूपी में लोग परेशान होते हैं तो क्या करते और किस तरह से उस परेशानी को सुलझाते हैं, इट वॉज सो यूनिक एंड सो फनी, तो देखने लायक था, उन दोनों का केमिस्ट्री देखने लायक है। सॉन्ग्स में अगर देखा जाए बस रीमेक है और एक अच्छा रीमेक मिला है, गाने के बीच में मतलब जिस तरह से एक मतलब पिटाई ही देखा, तो उसको फाइट सीन नहीं बोलते, पिटाई जो दिखा देता है उसके साथ में जो गाना आता है ना वो गाना बहुत मज़ा आ जाता है देखने में, लेकिन यार माइंड में एक ही चीज़ चलता है ये टॉपिक टैबू है, टैबू है, टैबू था, टैबू है, टैबू रहेगा, इस तरह से हम जैसे लोगों को लगेगा, लेकिन इस फिल्म को समझाने की बहुत कोशिश की गई है। टेक ऑफ बहुत अच्छी हुई थी मेरे हिसाब से, फर्स्ट पार्ट जो था काफ़ी फनी था, सेकंड पार्ट आते आते पूरा फिल्म जो है ना इधर उधर हो गई और लैंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई ये फिल्म की, तो देख करके ऐसा लगा यार जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो आयुष्मान को सोच करके आया था ना कि वसूल हो जाएगा, उस तरह से वसूल पैसा वसूल नहीं लगा। ओके, अगर बात की जाए आयुष्मान खुराना की फिल्मों की, तो इस फिल्म से आयुष्मान खुराना को क्या मिलने वाला है, देखो हमेशा उनका टॉपिक बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छे से रखने में एक्सपर्ट रहे हैं वो, आर्टिकल 15 हो या कोई भी हो, इसका पार्ट वन जो देखा जाए शुभ मंगल सावधान उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था, लेकिन यहाँ पे अगर देखी जाए तो मेरे हिसाब से बैड चॉइस है, पता नहीं यार वो सीन करने के बाद में पूरा उल्टी सा फील हो रहा था यार, अभी तक वो दिमाग से जा नहीं रहा कैसे करके कर लिया होगा, इट वॉज अ बैड चॉइस मैन। सो आज के दिन भूत भी रिलीज हो रही है, आई विल गो फॉर द भूत,
मेरे हिसाब से ना भूत जो है ना इसको बीट कर देगी, क्योंकि भूत जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। ये मूवी टैबू के हिसाब से थोड़ा पीछे रह सकती है। मूवी देखने लायक है उन लोगों के लिए जो कभी इन चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, सिर्फ सुना है उनके लाइफ में क्या होता है, किस तरह से वो फेस करते हैं। एटलीस्ट वन टाइम वॉचेबल तो है, एक बार देख सकते हो। लेकिन 5 में से 3 हो गया, काफ़ी है। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग रियलिस्टिक मूवी है ऑन होमोसेक्सुअलिटी। इससे पहले हमने जब भी मूवीज़ देखी हैं इस तरह की तो उनमें उनका मजाक उड़ाया जाता है, बट इसमें पहली बार एक मूवी बनी है जिसमें गे कम्युनिटी पूरा स्टार्ट टिल एंड वी सी टू एक्टर्स, नहीं तो एक एक्टर होती है और एक एक्ट्रेस होती है। तो ये बहुत ही यू नो ये डायरेक्टर कुडोस टू द डायरेक्टर कि उन्होंने ये सब्जेक्ट को बहुत ही सेंसिटिवली और बहुत ही मैच्योरली पोर्ट्रे किया। इंजॉय कर पाएगी बिकॉज इट्स अ कॉमेडी मूवी और कहीं भी कोई ऐसे डेरोगेटरी डायलॉग्स नहीं है, इट्स अ फैमिली मूवी, सेंसर बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, जितेंद्र कुमार का बहुत ही सिंपल सा रोल है तो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। और उसके साथ आयुष्मान खुराना, वो तो हर बॉल पर छक्का मार रहे हैं, ड्रीम गर्ल हो, कितने अलग अलग टाइप के रोल कर रहे हैं, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, एक के बाद एक हिट्स देते जा रहे हैं और इतना एफर्टलेसली करते हैं वो कॉमेडी, हिज कॉमिक टाइम इज़ परफेक्ट। और दूसरी तरफ जितेंद्र कुमार, आई थिंक इवन ही इज सच ए नाइस यू नो परफॉर्मर। और उसके साथ साथ नीना गुप्ता, गजराज राव, उनके भी बहुत अच्छे रोल्स हैं। और ये मूवी में मोर देन होमोसेक्सुअल टॉक्स अबाउट होमोफोबिया, जो लोगों का डर है। अभी मैंने पूरा वर्ल्ड घुमाया, US, कनाडा, यूरोप, वहाँ पे ये रिलेशनशिप्स लीगल हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इसको यू नो अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी वो लीगली मैरिजेस अप्रूव नहीं हुई हैं। तो ये मूवी आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी, इट्स अबाउट परसेप्शन, परसेप्शन चेंज होगी लोगों की। और इस तरह की मूवीज़ जो पहले लोग देख के हंसते थे तो अभी हंसेंगे नहीं, जैसे कल हो ना में कांता बाई का किरदार था, वो बहुत हंस रही थी शाहरुख खान और उनको देख के, तो वो उस तरह का लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैंने कहा ना ज़्यादा सावधान तो ज़्यादा हिट होगी, इतनी बड़ी हिट होगी, लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए, दे वर एज ऑफ दिस सीट, कहीं भी नॉट वन डल मोमेंट, शुरू से लेकर एंड तक आप इतना एंजॉय करेंगे। 2 घंटे की मूवी है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी, चिरंतन दास की एडिटिंग अच्छी है, म्यूजिक रिमिक्स सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, तनिष बागची का म्यूजिक अच्छा है, डायरेक्शन हितेश केवलिया के, मैंने कहा डायलॉग्स बहुत अच्छे, कहीं भी कोई चीप ह्यूमर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ी डायलॉग्स नहीं है जिससे आप शर्मिंदा हो। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, इन्जॉय कीजिए। और अगर किसी का बेटा या बेटी गे या लेस्बियन है तो वो ये मूवी से बहुत यू नो जो पर्वर्ट्स होते हैं, जो उनका मजाक उड़ाते हैं, विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, तो उनको ये जाके मूवी देखनी चाहिए, इट्स एन आई ओपनर। बिल्कुल, मैंने सुना कि भूत मूवी बहुत ही डरावनी मूवी, इसमें बहुत अच्छी मूवी है, कुछ एक्टर्स ने उसका दिया है, तो आई एम वेरी क्यूरियस एट द यू नो नेक्स्ट आई मीन द अदर पार्ट ऑफ द डे, आई एम डेफिनेटली गोना कैच अप ऑन दैट मूवी। हाउएवर विक्की कौशल यू नो यूरी वगैरह ये इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ में आए हैं तो लोग डेफिनेटली वो मूवी भी देखेंगे, पर ये मूवी के आप देखिए पहले एक शो था, उसके बाद भी दूसरा शो आया, तो इट्स ऑलमोस्ट 80% लोग आए हैं। सो पीपल आर क्यूरियस टू नो, क्योंकि ट्रेलर इतना अच्छा था और ट्रेलर में ही हम लोग को लगा कि मूवी बहुत ही अच्छी होगी, और इतनी कॉमेडी मूवी है, इतनी इन्जॉयबल है कि आप शुरू से लेकर एंड तक हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। I'll give 4 stars. Don't forget to like, share and comment.